ओके लास्ट क्लास में हम लोग कंपटीशन के बारे में पढ़े थे। तो कंपटीशन टेक्निक तुम लोग पहले वाला जो था क्लास ए के बारे में बताया। उसके बाद हम लोग आज क्लास बी कंपटीशन पढ़ेंगे और रेजोनेंस फॉल्स कंपटीशन पढ़ेंगे, ठीक है। रेजोनेंस के बारे में तुम लोग आइडिया होगा, एलसी सर्किट तुम लोग पढ़े हो ऑलरेडी, तो उस टाइप का कुछ सर्किट। रेजोनेंस सर्किट मतलब उसमें क्या क्या यूज होता है, रेजोनेंस में कौन कौन कंपोनेंट रहता है। सर हम लोग का कंप्यूटेशन है मेन, दो जो डिवाइस यूज होता है वो क्या है, मतलब जो जो मेन कंपोनेंट है। बोलो सोर्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस एंड थायरिस्टर सर। तो आज हम लोग क्लास बी कॉम्पिटिशन पढ़ने वाला है। और ये और एक चीज बता देता है तुम लोग का, अच्छा ना अभी नहीं, लास्ट क्लास के एंड में बताएंगे तुम्हें। तो क्लास बी कॉम्पिटिशन में बस उसका और एक नेम होता है जो है रेजोनेंट फॉल्स कॉम्पिटिशन, क्लास बी कॉम्पिटिशन रेजोनेंस कॉम्पिटिशन। इसमें क्या क्या है ना, इसमें हम लोग एल एंड सी जो मेन कंपोनेंट है वो भी रहेगा, और उसके साथ साथ हम लोग का एक थायरिस्टर रहेगा और एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर यूज करेंगे और एक डाइट का भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके साथ में हम लोग का जो लोड सेक्शन है वो यूज करेंगे। तो पहले हम उसका सर्किट डिजाइन करते हैं, जो नॉर्मल सर्किट होते हैं हम लोग का क्लास बी कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हम लोग का बेसिक क्या है, पहले सोर्स, ठीक है, डीसी सोर्स यूज करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर ज्यादा इस टाइप से कर दे रहे हैं, तो डीएस है, यही मेरा डीसी सोर्स है, और इसके साथ मेरा एक थायरिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटर लिए है और ये इंडक्टर, और यहाँ पर एक डायोड का हम लोग यूज करेंगे, और इसमें और एक चीज ऐड करेंगे यहाँ पर, एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर का हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ये तुम्हारा T1, ये होगा TA, हम लोग का यह सी, और यह हमारा ए है, और यहाँ पर डी है, और लोड सेक्शन इधर से हम लोग लोड लेंगे। ठीक है, क्लियर, ये हम लोग का सर्किट है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना। हाँ बोलो। टीए क्या है सर? मेन थायरिस्टर है, टीए मेरा मेन थायरिस्टर है, और टीए भी एक थायरिस्टर है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज किया गया है, एक हम लोग का यहाँ पर एक एक मिनट एक नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड हम लोग लिया है डी, फिर इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, एंड थायरिस्टर मेन थायरिस्टर T1 और ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA, ठीक है। और मेरे जो डीसी सोर्स है, इस तरह से कोई डीसी लिख सकते हो, इसमें सोर्स का भी सिंबल कर देख सकते हो, डीसी सोर्स जो भी सिंबल है कर सकते हो। तो एक क्लास ए कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम है, ठीक है, क्लास ए सर्किट डायग्राम का सर्किट डायग्राम है। तो ये कैसे वर्क करते हैं हम देखेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन मतलब मेन मेरा मेन है क्या, इस सर्किट से हम लोग का लोड सेक्शन में आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट भी देखना है, और आउटपुट करंट के साथ साथ कैसे ये थायरिस्टर ऑफ हो रहा है वो प्रोसेस हम लोग देखेंगे। क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम लोग दो चीज देखे क्या ना, एक तो जो भी थायरिस्टर होता है उसका एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट, मतलब बिलो होल्डिंग करंट कर सकते हैं, बस इसका एनोड वोल्टेज को जीरो कर देंगे करंट को,
और जो करंट होगा वो बिलो वोल्टेज करंट हो जाएगा, तो मैथाइसाइड ऑफ हो सकता है, और नहीं तो एक अलग सर्किट से उसको ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी क्लास ए का देख लिए हैं, तो क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट है यहाँ पर। उसके लिए अरेंजमेंट क्या किया गया, ना एक दो थाइसाइड यूज किया गया, एक कर वास्ता इंडक्टर डायोड का यूज किया गया है, यहाँ पर सोर्स है, ठीक है। तो इसका हम ऑपरेशन में आते हैं, ऑपरेशन में क्या बोलेंगे, मतलब फास्ट हम लोग यहाँ पर डीसी सोर्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और ये थाइसर है, ये भी थाइसर है, तो जब तक थाइसर को हम लोग ऑन करने का प्रोसेस क्या है, हम लोग का बताओ ट्रिगर करेंगे ग्रीन करना, ट्रिगर करना, मतलब जब तक ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये क्या है यहाँ ऑफ स्टेट में, ये भी ऑफ है, क्लियर ना, सबको विजिबल ना बोर्ड, यस सर। ट्रिगर नहीं किए, इसमें भी हम लोग ट्रिगर नहीं दिए, जब तक ट्रिगर नहीं है मतलब ये दोनों क्या है ओपन, ये भी ओपन सर्किट, ये वाला भी ओपन है, क्लियर, यस। अभी इसमें से जो भी कारण सर ऑन करने के लिए दोनों में गेट पल्स देना पड़ेगा सर, T1 में भी देना पड़ेगा, TA में भी देना पड़ेगा सर, एक बार थायरिस्टर है मतलब इसको ट्रिगर नहीं करेंगे तो मेरा ऑन नहीं होगा, ऑन होगा बोलो, जब तक हम थायरिस्टर में ट्रिगर नहीं करते तब तक मेरा ऑन नहीं होता है, तो उस बेसिस नहीं होगा सर, लेकिन हाँ बोलो, बोल रहे सर एक से T1 से ही हम नहीं कर सकते सर, या दोनों को हम देना पड़ेगा गेट पल्स, क्लास बी कॉम्बिनेशन जो डिजाइन किए हैं तो उसमें कुछ कारण है, हम लोग देखेंगे कैसे ये वाला काम कर रहा है, कैसे इसको ऑफ हो रहा है, ठीक है ना, इसमें एक्स्ट्रा जो थ्रेशर यूज किए हैं उसके कुछ कारण है, जो क्लास बी कॉम्बिनेशन जो इन्वेंट किया होगा, उसके बाद क्लास डी का इन्वेंट जो भी किया हो, जो साइंटिस्ट किया होगा, तो कुछ तो लॉजिक लगाया और सर्किट बनाया है, ठीक है ना, जैसे पीएन जंक्शन डायोड जो बनाया है उसमें भी कुछ लॉजिक था, उसी टाइप से इसमें कुछ लॉजिक है, इसलिए लगाया यहाँ पर टीए, ठीक है। नेक्स्ट जब देखते हैं हम लोग, तो इसमें ट्रिगर नहीं किए, इसमें ट्रिगर नहीं किए, दोनों अभी ओपन सर्किट है, कोई इसमें नहीं है, मेरा डीसी सोर्स यहाँ से सप्लाई हुआ, यहाँ से करंट अभी फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें करंट इधर से आ रहा है, तो इस करंट यहाँ पर आने के बाद कहाँ जाएगा, देख पा रहे हो एरो को, दोनों बोलो तुम लोग बोलो, काली इसमें ऐड कर, इस डायरेक्शन में सोर्स में करंट आ रहा है, वो करंट किधर जाएगा बताओ, बोलो कोई भी एक जन, करंट किधर जाएगा, तो क्या सुने दे रहा है कि नहीं, यस सर बोलो, नीचे जाएगा सर, नीचे जाएगा सर, सी और इसमें जाएगा, है ना, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से शुरू हुआ, इधर नहीं गया, इधर जाएगा T1 की तरफ, नहीं जाएगा सर, जब तक उसका नहीं जाएगा सर, तो इसके बाद कहाँ जाएगा, इस पॉइंट के बाद कहाँ जाएगा, क्या आवाज क्या है, बोलो, इस पॉइंट के बाद दोनों साइड बढ़ जाएगा सर, इधर आएगा, अगर सर T1 ट्रिगरिंग किया हुआ है तो उधर भी जाएगा, आपको तो पहले कंडीशन बता दिया है, मैं कोई ट्रिगर नहीं है, दोनों में कोई ट्रिगर फिगर नहीं दिया आपको, T1 एंड नहीं जाएगा, हां तो सर बीच में जाएगा सर, तो बीच में जाएगा सी एल, बीच में आया, फिर एल से होके गुजरे, इधर से होके एल सी से होके डी से होके इधर से होके इधर से होके कारण मेरा इस डायरेक्शन में आके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लियर, मतलब ओके क्लियर है ना, हाँ सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो करंट पहले इस डायरेक्शन में आया और इस डायरेक्शन जब आ रहा था करंट, इसमें से इसमें गया, उस टाइम कैपेसिटर क्या करेगा, ना कैपेसिटर उस टाइम का इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आया और इधर नेगेटिव आया, मतलब उस टाइम ये क्या किया, चार्ज को स्टोर किया, जब इधर से सोर्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो स्टोर करेगा ना कैपेसिटर, हाँ यार, यस सर, स्टोर कर लिया चार्ज, अभी
इसका अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, उसको नाम दे देता हूं वीसी। ठीक है, इसका अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा जो होगा वीसी, इसको वीसी लिख देते हैं। ओके ठीक है, और इसके अक्रॉस में जो भी करंट पास होगा उसको हम नाम दे देते हैं आई1 जाएगा, और यहां से जो भी आप लोगों का लोड में जो आउटपुट करंट हमको मिलेगा वो आई0 होगा, हम लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में इधर से आके इस ब्लैक क्रॉस में होके इधर से आके एक बार कंपैरेटिव क्लोज हो गया था, उस टाइम कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर किया उसके अक्रॉस में। तो जो चार्ज स्टोर कर रहा था वो किसके एक हद तक चार्ज होगा, सी बोलो ये सी कब तक चार्ज होगा, जब तक कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर ना हो जाए, बराबर सी का इसका वोल्टेज VCS का बराबर जब तक ना हो जाए तब तक चार्ज हुआ, अभी पूरा चार्ज कंप्लीट हो गया, मतलब VC का जो वोल्टेज है तो इक्वल हो गया VS का, तो अभी दोनों सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर, क्या नहीं होगा ना, बोलो ये सुन लो, पिछले क्लास में तो बताए थे नहीं होगा सर, बस कंप्लीट। अभी इसमें ये दोनों को टिकट तो नहीं किया हम लोग, और इसके बाद यहाँ से कोई भी किया फ्लो नहीं हो रहा है। अभी पकड़ लो ये मेरा क्या है, ये क्या है, डायोड, डायोड है, डायोड का ये वाला सेक्शन क्या है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पॉजिटिव 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 है। तो अभी कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर किया वो डिस्चार्ज कैसे करेगा, इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ वो डिस्चार्ज करने का पाथ ढूंढेगा ना, डिस्चार्ज करने के लिए, मगर उसके पास कोई पाथ नहीं है कहां से वो डिस्चार्ज करे उसको, क्योंकि डायोड से डिस्चार्ज हो सकता है, इसके अंदर जो चार्ज इसके यहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है क्या, बोलो सर, फिर से रिपीट कीजिए सर, क्या बोले सर, इसमें चार्ज स्टोर हुआ पहले का कंडीशन में, इस डायरेक्शन में कार्य रहा फ्लो 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 रहा था, अभी इसका वोल्टेज सेम हो गया है, अभी इसका वोल्टेज अभी इतना कुछ नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वो डिस्चार्ज होने का पाथ ढूंढ रहे थे, मगर उसको कोई पाथ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पाथ है, यहाँ पर बोलो तुम लोग डिस्चार्ज होने का पाथ है इसके पास, नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव इधर आएगा तो ये ऑलरेडी रिवर्स डायोड में कंडीशन में है, मतलब ये भी ओपन है, तो ये अभी इसके अंदर चार्ज होकर रख दिया। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग इसमें अभी टी वन में ट्रिगर अप्लाई करेंगे, तो टी वन में जब ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो मेरा ये टी वन क्या होगा, कंडक्ट क्लोज हो जाएगा सर, कंडक्ट करेगा, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, अभी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, शुरू कर देगा, इसके साथ साथ हम इसके जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहले हम ग्राफ को प्लॉट पहले बता देते हैं, उसके बाद ग्राफ में जाएंगे हम। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें से कारण इसमें फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला ग्राफ में हम दिखा देते हैं, आई फिगर में देखो, देख पा रहे हो ना, ओके ठीक है, क्या क्या किया देखो, आई जी वन, आई जी ए, आई नॉट, फिर आई टी वन, फिर क्या वी सी और आई सी,
ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या डायरेक्शन कैसे होता है। सेकंड वाला क्या है सर, आईजी ए सेकंड वाला ऑक्सिलेट एडिशनल का जब फिगर करेंगे तब हम लोग वहां पर दिखाएंगे ऑक्सिलेट एडिशनल का टियरिंग मेथड दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे ओके और को पहले टिगर करेंगे। तो हम लोग पहले वाला जो कंडीशन था उसमें क्या क्या इधर से अप्लाई हुआ था और जो बीसी था जो कैपेसिटर सी था वो बीएस के बराबर चार्ज हो गया था। तो हम एज ए रेफरेंस यहाँ पर पकड़ लेते हैं जो बीसी, देख पा रहे हो यहाँ पर बीसी को, तो ये वाला पॉइंट हम एज ए ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में, ये मेरा बीसी है पकड़ लो, ये वाला पॉइंट, ठीक है ये वाला पॉइंट बीसी है, यहाँ तक जो बीसी था इसका चार्ज यहाँ तक आया था, क्लियर। तो इस डायरेक्शन में हम लिख लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में इतना तक चार्ज हुआ ये वाला, ठीक है। तो इसमें कब होगा, जब हम लोग यहाँ पर मेन पहले कंडीशन में जब कोई टिकर बिगर नहीं किए तब भी बीएस की इक्वल होगा मेरा बीसी, इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ था इक्वल होगा ना बीएस के बराबर, इसके बराबर चार्ज स्टोर हुआ था सी के, तो उसको दिखाई यहाँ पर कोई डाउट किसी को इस पेज में, बोलो। नो सर, ठीक है। तो ए वाला अभी बी सी जो है वो बी एस के बराबर चार्ज हो गया यहाँ पर, बराबर कंप्लीट है फर्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में क्या किया हम लोग, पी वन को टिगर किया, पी वन को टिगर किया मतलब हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर दिखाएंगे टिगरिंग ये सर नो यस सर। तो जब हम लोग टिगर किए यहाँ पर तब इस डायरेक्शन में हम लोग का आउटपुट कारण मिलना शुरू हुआ और जो कारण है वो थाइस्टर वन के साथ इक्वल है, तो हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ होगा हम लोग कर सकते हैं इस साइड से। तो ये वाला कारण कर दो यहाँ पर, फिर आई टी वन को कारण भी ड्रॉ कर दो इस साइड से, ये वाला सेक्शन ठीक है। आई नोट को दिखाया, आई टी वन को भी दिखाया हम, कोई डाउट है किसी को सर? इधर से नहीं जाएगा सर, बीच वाला सर्किट से नहीं जाएगा आईनोट में करंट, यहाँ सर्किट में सर कहाँ से डायोड के थ्रू नहीं जाएगा सर, कैसे जाएगा वहाँ से? हाँ क्या है? अच्छा वो नेगेटिव है, ठीक ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ये तो ओपन है, क्लियर? ओके सर, ओके सर, ओके सर, हाँ ये भी ओपन था, जिसको भी समझ नहीं आएगा बोलो, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हम लोग किए हैं एकदम फास्ट, पहले से बता दे रहे हैं, पहले हम लोग क्या किए थे इसमें दोनों ओपन था जब कोई टिगर नहीं किए, सिस्टम क्या हुआ ये चार्ज स्टोर किया, कब तक स्टोर है इक्विवेलेंट टू वीए, जब तक बीसी इक्वल वीए हुआ मतलब ये वाला सेक्शन इक्वल वोल्टेज हमको स्टोर कर लिया और रेफरेंस नाम डॉट लिया, ये वाला वीए डॉटेड लाइन है तो वीए इसके बराबर हो गया अभी, ठीक है। अभी उस टाइम में ए ओपन था और ये रिवर्स कैसे हो गया था इसलिए डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या किया इसको टिगर, टी वन को टिगर किया, टी वन पे जब टिगर किया तो आउटपुट कारण हम लोग को मिलना शुरू हो गया, आउटपुट कारण नाम बनाया यहाँ पर, उसके साथ साथ आउटपुट कारण जो है आई नोट है वही आई टी वन है, हाई सब का वाला एक्रॉस जो कारण है वो वाला इसको ड्रॉ किया। अभी ये सेक्शन किसी का कोई डाउट है इसमें? अभी ये जो रेजोनेंस सर्किट जो था एल एंड सी इसमें भी पहले वाला जो जा रहा था वो आईसी इस तरह से करंट फ्लो हो रहा था, एकदम फास्ट कंडीशन में जिस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा था ये ऐसी था। तो अभी ये तो कोई यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं है, तो जो हम लोग यहाँ पर आईसी दिया है तो आईसी का करंट क्या होगा बोलो तुम लोग? जीरो होगा, जीरो होगा, तो आईसी को हम ऐसे जीरो रख दे रहे हैं, जीरो, ओके। तो ए वाला कंडीशन किसी को डाउट फास्ट हाफ एकदम जब जब T1 को ट्रिगर किया सर IC जीरो कैसे हो? IC का कोई करंट फ्लो हो रहा है अभी इस सर्किट में? IC किधर से भी फ्लो हो रहा है? नहीं सर।
इसलिए आज जीरो है मेरा, क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट, तो अभी टी वन मैंने टिकर कर दिए, तो टी वन से हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, तो हम देख लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अक्सर टी वन टिकर के बाद टी ए को अभी हम लोग टिकर करेंगे। तो मतलब इस कंडीशन में, इस पॉइंट में क्या हुआ, मेरा कौन ऑन है, टी वन इस सेक्शन में टी वन रजिस्टर अभी ऑन है, ठीक है? ये वाला देख पा रहे हो ना, देखो एक बार दिखा दे रहा हूं, देखो ये जो टी आई जी वन जब टिकर किया मतलब टी वन उस टाइम में ऑन हुआ है, ठीक है? अभी हम लोग ऑक्सिलरी थायरिस्टर है उसमें टिकर करेंगे, उसमें टिकर करेंगे तो इस जगह हम शो कर रहे हैं, इस जगह में हम उसको टिकर किया ये वाला। तब जब हम लोग यहाँ पर टिकर करेंगे मतलब मेरा टी ए इस जगह में ऑन हुआ, ओके, इस सेक्शन में टी ए ऑन हुआ, टिकर किया मतलब ऑन हुआ, होगा कि नहीं होगा सर? यस टी वन ऑन हो, टी ए को टिकर किए ऑन हो गया, कैसे ऑन हुआ ना, जो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रखा था अभी क्या करेगा वो, इसको तो ए वाला शॉर्ट हो गया, अभी इसको पाथ मिल गया, इसको पाथ मिला है ना कैपेसिटर को, हाँ सर। तो अभी कैपेसिटर में क्या करेगा ना, ये अभी इस डायरेक्शन में इसके अक्रॉस में सर्कुलेट करेगा, डिस्चार्ज होते रहेगा, कैपेसिटर क्या हुआ इसके अक्रॉस डिस्चार्ज होते रहेगा, होगा ये सर? नो यस सर, यस सर, ठीक है, क्लियर? ये वाला क्लियर रहना चाहिए, ये इक्वल वोल्टेज हुआ, अभी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब बीसी का वोल्टेज क्या होगा, बीसी का वोल्टेज अभी क्या होगा, जो बीएस तक चार्ज हुआ था, बीएस तक क्लियर, अब डिक्रीज करेगा, अभी क्या होगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, अभी बीएस मेरा डिक्रीज करेगा, मतलब वीसी का जो वोल्टेज था वो डिक्रीज करेगा, इसके अक्रॉस सर्कुलेट करेगा, इसके अक्रॉस सर्कुलेट कर रहा है, तो मेरा जो वीएस है वो डिक्रीज कर रहा है, और जो आईसी करंट है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा आईसी करंट का, बोलो, वो सर रिवर्स में हो जाएगा ना, रिवर्स में आ जाएगा, आईसी करंट क्या होगा वो भी ड्यू टू रेजोनेंस सर्किट, आईसी क्या होगा मैक्सिमम माइनस आईपी करंट तक रीच करेगा, आईपी करंट तक रीच करेगा रेजोनेंस सर्किट में, तुम लोग पढ़े हो जो रेजोनेंस सर्किट, अभी उसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, जो इसके कारण जो आईसी करंट है वो मैक्सिमम माइनस आईपी करंट तक रीच करेगा, वो मतलब मेरा वीसी डिक्रीज करेगा और जो आईसी जो करंट है इसमें वो आईपी तक डिक्रीज मोड में मतलब मैक्सिमम तक रीच करेगा आईपी, और कैसा होगा देखो, पहले हम लोग डिस्कस कर इसको डिक्रीज कर रहे हैं बीसी को, इधर देखो बीसी मेरा डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट में आके ए क्या होगा जीरो हो गया, इस पॉइंट में डिक्रीज होते होते अभी जीरो आ रहा है, और आईसी जो कारण है अभी आईसी कारण भी मेरा इस मैक्सिमम रीच कर रहा है इस टाइप से, यहाँ पर इसके साथ साथ ए भी रीच किया यहाँ पर, इसका जो पॉइंट का वैल्यू होता है वो माइनस ऑफ आईसी होता है, मैक्सिमम पीक करंट इस जगह में आता है, ओके? दिख नहीं रहा सर, लास्ट में ठीक है, नेगेटिव में माइनस आईपी, देखो ये वाला पॉइंट को बोला जाता है माइनस आईपी, इसमें देखो हम दूर में लिख दिया इसको, ड्यू टू रेजोनेंस सर्किट के कारण, ठीक है ये वाला, और वोल्टेज भी डिक्रीज कर गया यहाँ तक, ठीक है वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, अभी वोल्टेज डिक्रीज हो गया मतलब अभी जीरो हो गया, तो किस होते होते कहाँ आया, ये वाला क्या, ये तो जीरो पॉइंट है ना, जीरो, ये वाला जीरो पॉइंट है, तो ये जीरो हो गया वोल्टेज यहाँ पर, तो वोल्टेज जीरो होने के कारण इसमें और कुछ फ्लो होगा करंट बारे, इस सर्किट में और कुछ फ्लो होगा करंट बारे, नो सर, नो सर, ठीक से बोलो अभी करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें आप कुछ होगा जब जीरो हो गया बीसी का जो जितना चार्ज था अभी जीरो हो गया, और करंट भी इसमें मैक्सिमम पीक तक पहुंच गया, इसका आईपी तक पहुंच गया,
अभी इसमें और क्या हो सकते हैं, बहुत बार बोल दिया हम लोग, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक से बोलो क्या होगा अभी। बोलो बाबा क्या है। हाँ सर, उसके कारण थोड़ा सा चार्ज होगा। इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज फ्लो किया था कुछ, वो अभी रिलीज करेगा। यस सर। तो वो कैसे रिलीज करेगा, थ्रू कैपेसिटर करेगा कि नहीं? जी सर। तो कैपेसिटर को क्या करेगा, अभी वो कैपेसिटर से रिलीज करेगा, मतलब अभी कैपेसिटर तो जो पहले जो प्लाज्मा में चार्ज हो रहा था वो अभी इंडक्टर उसको चार्ज करेगा। तो इसका सेक्शन में क्या होगा, इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ए वाला जो है इंडक्टर का इधर से फ्लो होना शुरू करेगा इसको, ठीक है। तो उसने अभी कैपेसिटर क्या होगा, इसका तो वोल्टेज जीरो हो गया था अभी ड्यू टू इंडक्टर, इसको फिर से चार्ज मिल रहा है, पोलैरिटी इसका चेंज हो गया है, हुआ कि नहीं? बोलो। यस सर। तो और एक क्या होगा, बीसी, बीसी क्या होगा, बीसी का स्टेटस क्या होगा, बोलो। ये चार्ज होगा कि नहीं, चार्ज होगा ना, कब तक चार्ज होगा, वो माइनस बी एस के बराबर चार्ज होता जाएगा, तो ये फिर से चार्ज होगा इस सेक्शन तक, ए वाला जो है ये माइनस बी एस के बराबर होगा, ये माइनस और बी एस यहाँ तक चार्ज होगा, क्योंकि इंडक्टर कारण ये चार्ज होगा, और यहाँ से जब ये इंडक्टर कारण फ्लो होगा उस टाइम मेरा जो आई पी कारण था वो भी अभी बढ़ना शुरू होगा, मतलब डिक्रीज करना शुरू होगा, माइनस मैक्सिमम शिफ्ट से और डिक्रीज करना शुरू करेगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, Vs माइनस Vs तक पहुंच गए वाला, इसका वाला वोल्टेज, बोलो किसी का डाउट है यहाँ पर तो बोलो। बोलो आईसी सर अब रिवर्स में होगा ना, मतलब जो आईसी पहले था। हाँ ठीक है सर, घट रहा है, माइनस पीक तक मैक्सिमम पीक तक पहुंच गया, उसके बाद उसमें हाँ वो अभी बढ़ना शुरू हुआ, उसको उधर पॉजिटिव में जाने के तकाद में है, तो इधर तक आया और उधर वोल्टेज पूरा माइनस बीएस के बराबर हो गया, यहां का जो वोल्टेज है वो माइनस बीएस के बराबर हो गया, इसके अक्रॉस थायरिस्टर के अक्रॉस में माइनस बीएस के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा और करंट कहां पहुंचा है, आईसी करंट, आईसी करंट कहां पहुंचा है अभी, जीरो में सर, आईसी करंट जीरो में, वोल्टेज बी ए माइनस बी एस में। तो अभी टी वन का क्या होगा, बोलो। टी ए अब सर ऑफ हो जाएगा सर, टी ए, अमन बताओ टी वन क्यों ऑफ होगा, अमन टी वन क्यों ऑफ होगा, टी वन क्यों ऑफ होगा अभी, रीजन बताओ इसका। टी ए सर, नहीं तुमको नहीं बताओ, अमन को पूछे। हाँ टी ए ऑफ हो जाएगा, टी ऑफ का रीजन बताओ, बोलो बोलो बोलो, ऑफ होने का रीजन बताओ, किसको आता है अमित छोड़ के, बोलो जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो जाएगा। टी ए अभी ऑफ क्यों होगा, जिसको पूछेंगे, जिसको बोले अमित छोड़ के, बाकी लोग बताओ। नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है ना, हाँ बोलो बोलो, बोलो सर, सी से सर नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है सर, में सर पॉजिटिव,
रिवर्स में हो जाएगा सर। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज और उसके साथ साथ इसका जो कारण है ऑक्सीडेंट हाइस का जो कारण इसमें दिया जा रहा है वो जीरो है, आईसी इक्वल्स टू जीरो है, मतलब इसका जो कारण है बिलो ऑफ होल्डिंग करंट, इसका जो एनोड करंट है होल्डिंग करंट से नीचे होगा जीरो, तो अल्टीमेटली जब होल्डिंग करंट से जीरो हो जाएगा थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा मतलब, तो अभी थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में है। क्लियर? तो इस पॉइंट में मेरा टी ए ऑफ है, इस जगह में टी ए ऑफ हो गया, इस कंडीशन में इस पोजीशन में क्या हो गया टी ए ऑफ। ओके, किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट, अब टी ए ऑफ हो गया ये वाला, इसको हम ओपन कर देते हैं, ये ऑफ कंडीशन में हो गया, इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या अभी इसको तो ऑफ कर दिया और इसमें जो करंट था आई नॉट आई सी वन ये सब क्या रहेगा, इस पीरियड तक इस पॉजिटिव तक उस टाइम से आई डब्ल्यू उस टाइम मिल जाएगा हमको जैसा मिल रहा था, तो उसको हम बना दे रहे इधर तक, इसको भी बना देते इधर तक। ठीक है, नेक्स्ट इस जगह के बाद क्या होगा ना, ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ इसका पोलैरिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव में है, ये ओपन सर्किट हो गए हैं मतलब बंद हो गए वाला, इसमें से नहीं होगा। अभी इसमें जो चार्ज स्टोर किया था कैपेसिटर में जो चार्ज हुआ जो कि इंडक्टर, वो चार्ज अभी किधर जाएगा बोलो? लोड के अक्रॉस जाएगा सर। लोड के अक्रॉस किस डायरेक्शन में जाएगा? मतलब वो डायोड से होते हुए जाएगा सर, जो नॉर्मल डायोड है ना, नॉर्मल डायोड के नॉर्मल जंक्शन डायोड, नॉर्मल डायोड से होते हुए किधर जाएगा? लोड की तरफ। इसको क्लियर कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं, एकदम साफ कर देते हैं थोड़ा। ये वाला है मेरा डायरेक्शन में जाएगा, ये अभी पॉजिटिव नेगेटिव में, यहाँ से ये क्या है थर्ड बायस में हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से मिल जा रहा है, तो इस शॉर्ट करके यहाँ आ गया मेरा करंट, करंट इस जगह में आने के बाद इधर जाएगा, लॉर्ड के अक्रॉस सर। व्हाई? राइट में साइड जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा? करंट का जाने का डायरेक्शन उस साइड होगा, लेफ्ट और राइट एंड व्हाई? प्रॉपर्टी क्या होता है करंट का जाने का बोलो, तुम लोगों को आइडिया होगा करंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? लोअर टू हायर सर, जिधर सर लोड जिधर का लोड रेजिस्टर कम होगा यही ना, तो इधर मेरा जो है तो इस डायरेक्शन में क्यों होगा, ये तो मेरा लोड सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस कम है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेफ्ट हैंड साइड में फ्लो होगा, तो इधर फ्लो होगा मतलब ये जो आई टी वन है जो थायरिस्टर का करंट था उसके साथ डिफरेंशिएट करेगा यहाँ पर, मतलब ये जो करंट था वहां पर जो आई नॉट हमको मिल रहा था यहाँ से से, और जो IT1 मिल रहा था अल्टीमेटली क्या था मतलब IT1 माइनस अब IC हो जाएगा, मतलब ये जो बैठ जा रहा है अभी डिक्रीज करेगा इसको, इसको डिक्रीज करेगा मतलब मेरा I0 भी बढ़ जाएगा, मतलब अभी इसके साथ डिफरेंशिएट कर रहा है जो थायरिस्टर का जो कारण यहाँ पर है, हम लोग को क्या करना है इसको ऑफ करना है, इसको ऑफ करने के लिए क्या हो रहा है जो कारण इसमें पास हो रहा है वो कारण इसको इसको नेगेटिव कर रहा है मतलब जीरो कर रहा है, इधर वाला करंट को जीरो कर रहा है इसको, उस टाइम क्या होगा ना मेरा जो वोल्टेज है Vs वो अभी डिक्रीज मोड में है मतलब इंक्रीज मोड में ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये भी इसका जो वोल्टेज है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके यहाँ से बढ़ेगा नहीं बोलो, इसका जो चार्ज था ये अभी थोड़ा डिक्रीजिंग मोड में है मतलब रिलीज कर रहा है इसका चार्ज, तो मेरा जो जो Vs था वो अभी क्या होगा बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, पहले बोलो
अभी वीएस तुम्हारे अपर जाएगा ना, जिसका नेगेटिव था वो तो अभी इंक्रीज हो रहा है वीएस का, तो वीएस जब इंक्रीज होगा और उधर से टी1 के साथ, टी1 के साथ क्या होगा उसका डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब एनोड करंट अभी टी1 का जीरो हो जाएगा, बिलो होल्डिंग करंट हो जाएगा, तो बिलो होल्डिंग करंट हो जाएगा मेरा टी1 क्या होगा अभी ऑफ हो जाएगा सर, ऑफ कंडीशन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब ये वाला कंडीशन में मेरा IT1 इसका जो बाय है तो अभी इस जगह में जीरो में आ जाएगा, और ये भी जो बाय है ये इंक्रीजिंग मोड में रहेगा, ठीक है। इस सेक्शन में मेरा इस पॉइंट में क्या होता है हो रहा है मेरा अल्टीमेटली यहां पर T1 ऑफ हो जा रहा है, अभी T1 इस जगह में ऑफ हो गया है, क्लियर। क्या जब T1 ऑफ हो जाएगा तो बाकी मतलब इस बाकी तो क्या होगा ऑफ होगा, मतलब बाकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा वाला करंट, तो इसलिए जो आउटपुट करंट है तो थोड़ा और यहां से इंक्रीज होगा आउटपुट सेक्शन में, आफ्टर दैट ये जीरो हो जाएगा, ये इसमें तो ऑलरेडी जीरो हो गया है ये वाला पॉइंट में, क्योंकि 531 ऑफ हो चुका है, तो ये इस पॉइंट में जीरो रहेगा, और मेरा जो वोल्टेज था VS, ये VS क्या होगा फिर सप्लाई से उसको चार्ज करने लगेगा, और मेरा यहाँ पर फिर ये VS पहले जैसा इक्वल VS की जैसा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि नहीं ये चार्ज होगा ना, फिर से इस पोजीशन में चार्ज होगा ना। सर जब VS सर डिक्रीज कर रहा है अपना चार्ज, तो सर उस टाइम तो VS तो ऑन ही रहता है सर, इस टाइम जब चार्ज हो रहा है सप्लाई, जब मान लीजिए चार्ज हो गया फुल, अब वो रिलीज कर रहा है अपना चार्ज, तब VS सर ऑफ कंडीशन में जाता है या फिर तब भी ऑन ही रहता है? नहीं VS ऑफ कहां हो रहा है, VS तो रिलीज कर रहा है चार्ज को, वो तो उससे वोल्टेज VS नहीं सर, वो सप्लाई सर, सप्लाई वाला मेन जो सोर्स है, सप्लाई तो तुम्हारा T1 से जा रहा था, ये स्टार इस बार क्यों नहीं आ रहा था यहाँ पर क्योंकि दोनों का वोल्टेज इक्वल हो गया था ना, तो ये तो एक उस टाइम तो ये डिलीट कर रहा था एक बार पहले वाला में, जब ये ओपन हो गया तो इसका चार्ज अभी इस डायरेक्शन में रिलीज कर रहा है, तो इसके साथ ये दोनों का करंट का डिफरेंस है उसको ऑफ कर दिया, इसको जब ऑफ हुआ है वाला, जब ये वाला ऑफ हो गया, ठीक से देखो जब T1 को ऑफ कर दिया है, तब अभी क्या तुम्हारे पास बचा क्या है, ओनली ये वाला, मतलब उसको सर वहां से शॉर्ट पाथ मिल जाता था इसीलिए इधर से नहीं जाता था। यस, इसको पहले यहां पर मिल गया, ये तो पहले थोड़ा चार्ज था इसलिए वो पहले वहां से जाया था, मगर इसको जब हम लोग ऑफ कर